Infinix, Infinix, Infinix. आखिर हो क्या गया Infinix को? वहाँ पे बारिश की वजह से बाढ़ रुक नहीं रही और यहाँ पे Infinix के स्मार्टफोन्स रुक नहीं रहे। और अब इसी Infinix ने एक खतरनाक स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया है। यस दोस्तों, आपकी फेवरेट कंपनी Infinix ने Infinix Smart 5 स्मार्टफोन फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 6,500 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा 2GB RAM 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। इस स्मार्टफोन के अंदर एक ऐसी चीज है जो आपको आज से 2-3 साल पहले देखने को मिलती थी। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उसके प्रोसेसर की। यहां पे इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर नहीं बल्कि क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यस दोस्तों, आज से करीबन 2-3 साल पहले एसुस ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था, एसुस जेनफोन लाइट L1। ये स्मार्टफोन ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में लॉन्च हुआ था 6,000 रुपए के अंदर, आज से करीबन 2-3 साल पहले। उस टाइम ये जब ऑक्टा कोर के साथ में आया था, उस टाइम के बाद में जितनी भी कंपनीज ने अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे सभी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर को यूज किया था। लेकिन अब करीबन 2021 के अंदर Infinix ने अपने 6,500 रुपए के फोन के अंदर क्वाड कोर प्रोसेसर यूज किया। वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग इस स्मार्टफोन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्मार्टफोन के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिल जाती है, प्लस इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर इसके अलावा आप लोग और कौन सा स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो जो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो चलिए फटाफट से इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। इसकी जो डिजाइन है मुझे लिटरली बहुत ही पसंद आई है। बैक साइड के अंदर जो आपको टेक्सचर, जो डिजाइन यहाँ पे, जो पैटर्न यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है। इनफैक्ट रेक्टेंगल टाइप का कैमरा मॉड्यूल भी थोड़ा सा डिजाइन के अंदर वैल्यू एड कर देता है। बैक साइड के अंदर आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है उससे स्मार्टफोन थोड़ा सा और प्रीमियम लगता है। फ्रंट साइड के अंदर आपको एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज और इनफैक्ट इससे डबल की प्राइस रेंज भी अगर आप लोग देख लो तो आज के टाइम पे आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलती है जो आपको इस स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिल जाती है। लेकिन एक थोड़ा सा बेटर काम यह किया कि यहां पे जो डिस्प्ले है वहां पे आपको एक प्रोटेक्शन ग्लास भी देखने को मिल जाता है। हालांकि वो गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी ग्लास है, लेकिन एक एडवांटेज आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। ये एक ऐसी लौती चीज है जो मुझे लिटरली बहुत पसंद आई है। इसके अलावा जो बाकी चीजें है ना वो थोड़ी सी अटपटी है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो वाकई में इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर आपके हाथ में फिट हो जाए उतनी साइज की डिस्प्ले प्रोवाइड की है। 6.52 इंच का जो डिस्प्ले साइज होता है वो अपने हैंड के अंदर आराम से फिट हो जाता है, पॉकेट के अंदर फिट हो जाता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती। तो वही डिस्प्ले की साइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। HD प्लस डिस्प्ले IPS पैनल के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। और एक काम यहाँ पे अच्छा वो किया कि यहाँ पे जो ब्राइटनेस है ना उसकी पीक को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। नॉर्मली इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। कोई कंपनी आपको 480 भी दे दे लेकिन यहाँ पे आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये एक ऐसी चीज है इस स्मार्टफोन के अंदर काम किया है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की। आई नो कुछ चीजें मैंने मिस की है लेकिन वो चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा उस टाइम पे वीडियो। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 10W की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉकिंग फीचर देखने को मिल जाता है, DTS का सराउंड साउंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। प्रोसेसर डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको MediaTek का A20 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है ये 12 नैनोमीटर पे बना हुआ है तो बैटरी तो अच्छी खासी बचा लेगा इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आपको 4 कोर्स देखने को मिल जाते हैं Cortex A53 पे बेस्ड। इसका मतलब ये है कि जब आप इस स्मार्टफोन से कुछ भी काम करोगे तो आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए वहाँ पे सिर्फ 4 इंजन ही है, 4 कोर्स ही देखने को मिल जाते हैं जो आपकी स्पीड को थोड़ा सा लिमिट कर देंगे, आपकी मल्टीटास्किंग को थोड़ा सा लिमिट कर देंगे, कुछ एप्लीकेशंस में स्लोनेस आपको देखने को मिल सकती है। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग कॉम्पिटिशन की बात करें तो वहाँ पे आप स्मार्टफोन का यूसेज करते हो ना तो आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए 8 इंजन देखने को मिल जाते हैं जो आपकी स्पीड को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं कंपेयर टू क्वाड कोर प्रोसेसर। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस स्मार्टफोन के अलावा भी कोई स्मार्टफोन है या नहीं है, वो भी मैं आपको डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूंगा।
थोड़ा सा रुक जाइए, सबसे पहले कैमरा डिपार्टमेंट को थोड़ा सा फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप देखो मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखो मिल जाता है। इसके अलावा जो दूसरा कैमरा है उसका रेजोल्यूशन कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो एक डेप्थ सेंसर है, होपफुली वो 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर हो सकता है, गारंटीड नहीं है। F2.0 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखो मिल जाता है, सेम अपर्चर की ओपनिंग देखो मिल जाती है, F2.0 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है ये USB टाइप सी के साथ में नहीं आता, यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। 6,500 रुपये हम लोग डिमांड भी नहीं कर सकते USB टाइप सी का, आई नो 7,000 की प्राइस रेंज के अंदर एक स्मार्टफोन है जो आपको USB टाइप सी प्रोवाइड कर रहा है। अब हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाँ भाई हमें मालूम है कि भाई इसका प्रोसेसर इतना क्वालिफाइड नहीं है, क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ में आता है, हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त, तो अगर हम लोग ये स्मार्टफोन अगर कंसीडर नहीं करते तो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर हमें और कौन से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वेल दोस्तों, सिर्फ अगर आप लोग 500 रुपये का और जुगाड़ कर लेते हो तो आपके पास में 2 स्मार्टफोन का ऑप्शन देखो मिल जाता है जो इस स्मार्टफोन से काफी ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा माइक्रोमैक्स इन वन बी की। ये जो स्मार्टफोन है आपको 7,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको सेम रैम और इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, बल्कि यहाँ पे आपको एक चीज एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है, मीडियाटेक का G35 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा सा गेमिंग ओरिएंटेड प्रोसेसर है, वहां पे जो GPU है उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज की गई है। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको 8 इंजन देखने को मिल जाते हैं, यस G35 एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो इन शॉर्ट आप स्मार्टफोन को यूज करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी कंपेयर टू ए क्वाड कोर प्रोसेसर। तो ये स्मार्टफोन काफी बेटर वैल्यू फॉर मनी है, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, यूएसबी टाइप सी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अब अगर आपको ये स्मार्टफोन नहीं लेना, फॉर एन एग्जांपल अगर आपको ये नहीं लेना, तो आपके पास में एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जियोनी मैक्स प्रो। ये भी 500 रुपए ऊपर यानी कि 7,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा, इसके अंदर भी आपको एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। हालांकि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो इन शॉर्ट सिर्फ 500 रुपए का अगर आप लोग और जुगाड़ कर लेते हो तो आपके पास में ना एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। प्लस इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको जो मेन कैमरा है रियर कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, तो रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट जियोनी मैक्स प्रो के अंदर आपको बैटरी साइज भी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको 6,000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। इन शॉर्ट अगर मुद्दे की बात की जाए ना तो मेरी तो राय यही रहेगी कि 500 का जुगाड़ कर लो, अभी नहीं है तो थोड़े दिन बाद परचेज कर लेना, लेकिन एक ऐसा स्मार्टफोन परचेज करो जहां पे आपको कम से कम स्मार्टफोन यूज करने में प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। एक क्वाड कोर प्रोसेसर जो होता है उसकी लिमिटेशन ही ये होती है कि वहां पे आपको हेल्प करने के लिए सिर्फ 4 इंजन ही देखने को मिल जाते हैं, दूसरे और भी स्मार्टफोन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ये दो नहीं देखने तो और भी स्मार्टफोन आप लोग देख लीजिए, उनके अंदर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और वो जो होता है ना वो आपकी वाकई में थोड़ी सी ज्यादा हेल्प करता है। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे इन दोनों ब्रांड में से किसी ने भी स्पॉन्सर्ड नहीं किया है, तो आपको ये लेना हो तो ले भी सकते हो, नहीं लेना हो तो नहीं भी ले सकते। इन्फिनिक्स का क्वाड कोर प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन भी डेफिनेटली आप अगर परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A स्मार्टफोन 6,500 रुपए के अंदर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। इसके अलावा स्मार्टफोन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, जियोनी मैक्स प्रो के बारे में और जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।